अगर यही सिचुएशन है तो इसका तो मतलब यही है कि बलूचिस्तान के एक आम आदमी पार्लियामेंट पे, अपनी असेंबलियों पे, अपनी प्रोविंशियल असेंबली पे वो यकीन ही नहीं रखता। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो, आपकी नेशनल पार्टी है, आपकी नेशनल पार्टी, आप कहते हैं कि सॉरी, एक नेशनलिस्टिक पार्टी है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अतोल्ला मेंगल साहब की, आप कहते हैं कि एक नेशनलिस्टिक पार्टी है बलूचिस्तान के राइट्स के हवाले से बात करती है। 2013 में बड़ी जबरदस्ती के साथ जोर लगाया गया कि एक सॉफ्ट इमेज पेश किया जाए और एक मुआहदे के तहत डॉक्टर मालिक बलोच को हुकूमत दी गई। अब आप मुझे बताएं कि डॉक्टर मालिक बलोच भी डिलीवर नहीं कर सका। डॉक्टर मालिक बलोच के साथ जब आप किसी बंद कमरे में जाके सवाल पूछते हैं कि जी आपने इस एरिया पे क्यों डिलीवर नहीं किया, वो कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो कहता है कि मेरे पास जो है वो फैसिलिटीज नहीं है, मैं वजीर आला तो हूँ लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरा एक कोर कमांडर मेरे बगल में बैठा हुआ होता है और उसी की एडवाइजेस से मुल्क चल रहा होता है। अब इन ये आर्ग्यूमेंट किसी न किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन वो उस नेग्लिजेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो उन्होंने की है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे एरियाज पर उन्होंने काम नहीं किया, अगर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था तो एज अ मोरालिटी के बेसिस पे उन्हें रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। उन्होंने अपने खानदान के लोगों को नौकरियां दी, बेशुमार जो है करप्ट लोगों को उन्होंने ठेके दिए, बट आप देखें इसके बावजूद अगर आपने एक मिडिल क्लास से बंदा रखा है पार्लियामेंट के अंदर, उसने माजी की हुकूमतों से बेहतर थोड़ा सा डिलीवर किया, उसने अपने एरिया में अपने डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी, यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा फैसिलिटेट, एजुकेशन को थोड़ा सा फैसिलिटेट किया। अब जाहिर है एक 70 साल सिस्टम आपने बना के रखा है, वो 5 साल में तो ठीक नहीं हो सकता, वो 4 साल में तो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, आप वहां पे कुछ ना करें, आप वहां आजादी की तहरीकों को नहीं कुछ लें, आप वहां जो है वो मिलिट्री जोन्स ना बनाएं, आप वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिलिट्री ना रखें, आप वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद कराएं और ये बावर कराएं लोगों को कि आप जिसको वोट दे रहे हैं आपका वोट उस कैंडिडेट के हक में ही काउंट होगा। तो आप देखेंगे कि 10-15 साल या 20 साल के अंदर बलूचिस्तान से ही लोग इन लीडरांस को रिप्लेस करेंगे। अगर मुझ जैसा शख्स जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, जो समझता है कि लोगों को सर्व करना चाहिए और जो जानता है कि वो पॉलिटिक्स में आके लोगों को सर्व कर सकता है, अगर उसको यकीन ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट में बिना एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बिना कॉम्प्रोमाइज होके आ सकता है तो कैसे पॉलिटिक्स करेगा। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी कि जिस जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, बीएलए है, बीआरए है, तो इनका बाकी आम पाकिस्तानी पे जो नॉन बलोच है उनके दिमाग में क्या इन्होंने कुछ मिसकंसेप्शन क्रिएट किए हैं बलोचों के हवाले में या बलोचिस्तान के हवाले में? देखिए, तो मैं बड़े बड़े ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। एक कॉन्सेप्ट जरूर रहा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो कॉन्सेप्ट क्या है। अब कोई भी पार्टी हो, कोई भी मूवमेंट हो, वो स्लोगन किस तरीके से बेचती है। स्लोगन जेन्युइन होता है, उस जेन्युइन स्लोगन को एक्सप्लॉइट करती है। अब मिसाल के तौर पर आपकी एस्टेब्लिशमेंट थी पंजाब की, आपकी सबसे ज्यादा आबादी थी पंजाब की, आपकी रूलिंग पार्टीज थी पंजाब की, आपके सारे रिसोर्सेज पर सबसे ज्यादा हक था पंजाब का। बलूचिस्तान में कोई पोस्ट आती थी तो वो पहले किसी पंजाबी को प्रेफर करते थे बनिस्बत किसी बलोच के, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होती थी और अपने एजुकेशन दी भी नहीं होती थी। तो उन्होंने स्लोगन ये भेजा कि पंजाब आपके हक में डाका डाल रहा है, पंजाबी आपके हक में डाका डाल रहे हैं, पंजाब आपका दुश्मन है। पंजाब और पंजाबी के साथ एक इस तरीके का 10-12 साल तक रिश्ता बन गया था कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी वो किसी पंजाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और दूसरा उसका फैक्टर यह है, जब भी आप याद रखें इंसर्जेंसी होती है, जब भी कहीं पे ऑपरेशंस होते हैं तो वहां पर लोग जो है प्लांट किए जाते हैं खबरों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, चीजों के लिए। तो ऑब्वियसली लोग जो वहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे वो इनसिक्योर फील करते थे इन चीजों से, तो वो अटैक करते थे। अब आपको मैं माचिस की बात बताता हूँ।
मेरे ही गांव में मुझे याद पड़ता है नवाब अकबर रुकती की शहादत थे, जो पंजाबी हेयर ड्रेसर थे, नाई थे, वो आज भी मेरी बिल्डिंग के नीचे काम करता है और वो विटनेस है इस चीज का, जो मुझे ये किस्सा बताता है कि मुझे वहाँ इतनी थ्रस्ट हो गई थी कि मैं, क्योंकि वो गांव था, गांव से निकल के आपको हब में जाना था, हब से फिर आप कराची या पंजाब के लिए मुंतकिल हो सकते थे। तो उस शख्स को 4-5 दिन तक वहाँ बलोच लोगों ने शेल्टर दिया है कि आप जब तक हालात ठीक ना हो आप यहाँ से जाइएगा नहीं। तो आम बलोच नफरत नहीं करता, जरूर कुछ लोगों को नफरत के लिए वर्कल आया होगा, लेकिन आम बलोच जो है वो नफरत नहीं करता किसी पंजाबी से, किसी उर्दू स्पीकिंग से, किसी सिंधी से। उनका तो गिला शिकवा ये है कि आप हमारे साथ डिफ्यूज नहीं होते, आप हमें डिफ्यूज होने ही नहीं देते, आप खुद को सुपीरियर फील करते हैं, दूसरों को इंफीरियर समझते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से सोसाइटीज डिफ्यूज नहीं हो पाती। बस ये कहना कि वहाँ बैठे जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ बलोच थे वो पंजाबी से नफरत करते थे, बहुत बेतुकी बात है। क्वेटा के अंदर मैं खुद अपनी मेडिकल की जब तैयारी कर रहा था तो मेरे टीचर पंजाबी थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे कैडिट कॉलेज में, हमसे पंजाबी टीचर आते थे पढ़ाते थे। ऑब्वियसली जब कोई एक्शन होता है उसके रिएक्शंस निकल आते हैं, मॉब्स बनते हैं, मॉब्स का कोई रंग रूप, कोई शक्ल, कोई नजरिया नहीं होता, वो एक्ट्रेड में कुछ भी कर देते हैं। तो कुछ वाकयात हुए होंगे ऑब्वियसली, जिसमें ऑब्वियसली हमारे सेपरेटिस्ट लीडर्स के स्लोगन जरूर शामिल रहे होंगे।